वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मुझे जहां तक लगता है एग्जामिनेशन में, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो आपका पीडीएफ जो आप कन्वर्ट करते हो और अपलोड करते हो, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जो भी आपने एग्जामिनेशन में लिखा हो, जो भी आपका प्रिपरेशन हो, वो सब आपका जो पीडीएफ हो गया और जो अपलोडिंग करते हो उस पर डिपेंड करता। तो वही वीडियो पे मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करूंगा, उसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स भी कुछ कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, वो मिस्टेक्स आपको नहीं करना ताकि आपका एग्जामिनेशन अच्छे से हो सके। पूरा वीडियो को देखना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आगे भी आपको वीडियोस मिले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, जब आपका एग्जामिनेशन हो जाता है, ठीक है, एग्जाम होने के बाद आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम में आपको पीडीएफ बनाना पड़ता है, फिर पीडीएफ को आपको अपलोड करना पड़ता है, तो एग्जामिनेशन का पोर्टल होता है, यह तो आपको पता है। लेकिन आपका फाइल होता है ना, जहाँ पे सेव होगा, चाहे आपका फाइल मैनेजर में सेव हो या चाहे कोई भी फोल्डर में, तो सेव करने के पहले आप एक अलग सा फोल्डर बनाओ। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, मान लो कि आपका अकाउंटेंसी का पेपर है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी आपका, मान लो कि आज आपका अकाउंटेंसी का पेपर है, तो जब पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे, तो पीडीएफ जो आप सेव करोगे, तो आप पहले से एक सिंगल फोल्डर बना के रखो अपने फाइल मैनेजर में, तो उस फोल्डर पे आपका जो मान लो जो भी पीडीएफ हो गया उसको वहां पे सेव करो। क्योंकि देखो, बहुत बार क्या होता है जल्दबाजी में स्टूडेंट्स लोग कभी एक पीडीएफ की जगह किसी और पीडीएफ को अपलोड कर देते, और अगर आप एक बार अपलोड कर दिया तो बाद में वो चेंज नहीं होगा। इसीलिए तो मान लो कि आपका आज अकाउंटेंसी का पेपर, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो उस अकाउंटेंसी पेपर का जो भी आपका पीडीएफ आपने कन्वर्ट किया हो एग्जाम देने के बाद, तो उसको आप एक पर्टिकुलर एक सिंगल फोल्डर पे सेव करो, ताकि जब अपलोड करो तो उस फोल्डर में जाके आप वही फाइल को अपलोड करो जो आपने एग्जामिनेशन में लिखा हो। ताकि बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट्स एग्जाम के जल्दबाजी में, अगर मान लो कि आपको अकाउंटेंसी का पेपर का अपलोड करना है पीडीएफ, आपने गलती से कुछ और सब्जेक्ट का कर दिया, तो मिस्टेक हो सकता है। इसीलिए पहला मिस्टेक, और आपको ये गलती नहीं करना है कि जब पीडीएफ कन्वर्ट करोगे तो उसको एक सिंगल फोल्डर में सेव करो और उसके बाद उसको आप अपलोड कर दो वहां से। तो ये मिस्टेक आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, सेकंड जो मैं टिप देना चाहता हूं वो देखो अपलोडिंग को लेके। क्योंकि देखो, जो ब्राउजर आप यूज करोगे, चाहे क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हो, चाहे आप फायरफॉक्स यूज करो, चाहे कोई भी ब्राउजर आप यूज करो, चाहे लैपटॉप से कर रहे हो चाहे मोबाइल से कर रहे हो, जो भी ब्राउजर आप यूज करो उसको मेक श्योर करो कि उसको अपडेटेड रखो। अगर आप मोबाइल फोन यूज करो तो प्ले स्टोर में जाके चेक करो कि आपका जो ब्राउजर है उसका अपडेट आया है कि नहीं। अगर अपडेट आया है तो ब्राउजर को आप अपडेट कर लो, उससे क्या होगा ब्राउजर थोड़ा फास्ट हो जाएगा और एग्जामिनेशन में चाहे आपका जो अपलोडिंग हो गया है पीडीएफ का, तो वो आपको अच्छे से हो जाए, ठीक है। और ऑलरेडी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने इंस्ट्रक्शन दिया था, उसका वीडियो मैंने बनाया, आई बटन पर चेक कर सकते हो, उसमें भी और बहुत सारा उसमें आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जाके चेक कर सकते हो वीडियो, ठीक है, आई बटन पर दे दूंगा। तो सेकंड चीज, अपना ब्राउजर को जरूर अपडेट कर लेना, ठीक है। एक चीज कहना चाहता हूं, देखो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो जरूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कंटिन्यू करते हैं, थर्ड वाला टिप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये टिप मैं आपको दे रहा हूँ, बस सुनो मत, वीडियो को देखने के बाद इस टिप्स को जो मैं दे रहा हूँ उसको प्रैक्टिस भी करो। पता है क्या है, देखो मुझे बहुत बार स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि भैया मैंने इस ऐप से मैंने घर पर प्रैक्टिस किया, पीडीएफ बनाया लेकिन 5 MB के ऊपर चला गया। मैं उनसे हमेशा एक चीज कहता हूँ कि अगर आपको एक पर्टिकुलर ऐप से आपने पीडीएफ बनाया है, ज्यादा MB हो रहा है, तो आप कुछ और भी ऐप्स ट्राई करो। क्योंकि बहुत सारे ऐप्स है, ऑलरेडी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे अच्छे ऐप्स का रिकमेंडेशन दिया था, नहीं तो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो आप एक दो ऐप नहीं, ऑलमोस्ट 3 ऐप को ट्राई करो घर पे, जो भी आपका फॉर एग्जांपल कोई पेजेस को लो, कन्वर्ट करो पीडीएफ में, देखो कितना भी MB में बन रहा है। क्योंकि जो आपका पीडीएफ का साइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपका पीडीएफ का साइज 5 MB से ऊपर हो जाता है तो वो अपलोड नहीं होगा। इसीलिए आप कोशिश करो कि जो भी ऐप आप यूज कर रहे हो उसमें आपका जो पीडीएफ साइज है वो 5 MB के नीचे ही बने, और ठीक है। तो घर पे प्रैक्टिस करो, 1-2-3 ऐप्स ट्राई करो पीडीएफ का, प्रैक्टिस करोगे फिर पीडीएफ कैसे कन्वर्ट करना है आप खुद से 2-3 बार ट्राई करोगे, आपको वहीं से कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और आप वहीं से अपना जो गलतियां है कैसे क्या करना है कैसे कन्वर्ट करना है वहीं से अपनी गलतियों को देखोगे सीखोगे तो आप बेटर करोगे। थर्ड टिप जरूर इसको फॉलो करना, ठीक है। अब फोर्थ नंबर टिप जो मैं आपको दूंगा, ये अब ध्यान से सुनना। देखो, जब आप अपने पीडीएफ को अपने कन्वर्ट कर लिया, उसका आपको अपलोड करना है, उसके लिए आपको अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए, लेकिन एक आपको नॉर्मल एक आपका जो ऑन एवरेज इंटरनेट स्पीड आता है उतना तो आपको चाहिए ही, ठीक है। तो जब आप अपलोड कर रहे हो तो चेक करो कि जो आपका मोबाइल का नेट कनेक्शन है, चाहे वाईफाई यूज करो, वो आपका प्रॉपर नेट है कि नहीं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम देखते हैं कभी कभार नेटवर्क हम लोग का स्लो हो जाता है, उसके वजह से अपलोडिंग में प्रॉब्लम होता है। इसलिए आप ध्यान रखो कि आपके पास आपके घर पे अपने मम्मी का फोन, पापा का फोन या भाई या बहन का फोन अगर आपके पास हो तो आप उसको अपने पास रखो। अगर आपके फोन से आपका नेटवर्क या फिर आपका नेट कनेक्शन स्लो हो रहा है तो आप अपने घर से किसी और का वाईफाई लेके भी अपलोड कर सकते हो। थोड़ा सा टिप था, लेकिन डेफिनेटली अगर आपका नेट स्लो है तो इससे थोड़ा बहुत आपका इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। और आपका नेट में अगर आपको बैलेंस डालना हो, टॉपअप डालना हो, तो पहले से ही करके रख दो, ठीक है। नहीं तो बाद में एग्जाम के दिन देखोगे आपका नेट खत्म हो गया तो आपके लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। इसलिए अपना नेट कनेक्शन को चेक करो, का एग्जाम में अपलोडिंग जो भी आपका डिफिकल्टी आपको कम होने वाला है और आपका एग्जाम अच्छे से होगा। इस टिप को जरूर फॉलो करो, ठीक है। और देखो, फिफ्थ नंबर टिप में मैं
देखो एज अ स्टूडेंट मुझे पता है जब हमारे पास एक लिमिटेड समय होता है तो हम बहुत जल्दी जल्दी करने लगता है कि हम लगता है इसमें हम लोग कर पाएंगे नहीं, उसका फटाफट से हम पीडीएफ बनाते हैं अपलोड करते हैं, वहीं पे मिस्टेक्स होता है। इसीलिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आपका एग्जामिनेशन जब आपका कंप्लीट हो जाए उसका जो आपका समय हो लिमिटेड टाइम हो उसमें पीडीएफ को कन्वर्ट करो अपलोडिंग करो। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखो जब आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है एग्जाम स्टार्ट होने के पहले ही आप आपके घर पर कोई भी एक फ़ोन ले लो या आपके फ़ोन पर ही आप एक अलार्म लगाओ, ठीक है। मान लो कि आपका एग्जामिनेशन 2 आवर्स का, मैं एग्जाम्पल कह रहा हूँ, ठीक है, इतना भी आपका डिपेंड करता है कोर्स के ऊपर, लेकिन अपने फ़ोन पर आप एक अलार्म लगाओ। अलार्म इतना लगाना कि आपके एग्जामिनेशन खत्म होने का 15 या 20 मिनट्स पहले आपका अलार्म बजे। उससे क्या होगा, उससे आप थोड़ा अलर्ट हो जाओगे कि हाँ आपके पास इतना समय बचा, इसमें आपका एग्जामिनेशन खत्म करना है, उसके बाद आपको पीडीएफ कन्वर्ट करके अपलोड करना है। तो एक अलार्म जरूर लगाना, ये मेरी तरफ से एक टिप है, जो आप फॉलो करोगे तो आपके लिए समय बहुत ज़्यादा बचा सकते हो। और एग्जामिनेशन में मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में भी कहा था, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है चाहे ओपन बुक एग्जामिनेशन हो रहा है, आपका एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट, आपका टाइम मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए एग्जाम स्टार्ट होने के पहले एक अलार्म लगा लो, टाइम लिमिट खत्म हो जाए लिखने का तो अपलोडिंग के लिए आपके पास समय हो जाएगा, और जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन हो गया आपका स्टडीज हो गया उसको करते रहो। और उसके साथ साथ आप पीडीएफ कैसे बनाते हैं, कौन सा ऐप अच्छा है क्या है, आप उसको भी ट्राई करो, प्रैक्टिस से आप बेटर होगे। बस मैंने कोशिश किया कि आपको 5 कुछ टिप्स दूं मेरी तरफ से जिससे आपको थोड़ा हेल्प हो जाए। तो यही था वीडियो, अभी लेफ्ट साइड में आपको एक वीडियो दिख रहा होगा जहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था कैसे आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, टिप्स शेयर किया था। अगर आपको वीडियो देखना है यहाँ पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस का जो भी डिटेल वीडियो है आपको राइट साइड में मिलेगा, जरूर क्लिक करके देख लेना जो आपका वीडियो था। और यही था आज का वीडियो, देखने का शुक्रिया, स्टे सेफ, ग्रेट डे, बाय।